नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज हम लेकर आए हैं लंपी स्किन रोग का देसी इलाज। लंपी एक वायरस रोग है, इसका बचाव ही इलाज होता है, इसका प्रसार रोकें। आप इसमें देसी तरीके से मक्खी मच्छरों को भगा सकते हैं, जैसे नीम के पत्तों से धुआं करके इसे रोक सकते हैं। इसमें हम हल्दी या फिटकरी लगाकर उसका इलाज कर सकते हैं, उस बहते खून को रोक सकते हैं। ये महज एक त्वचा रोग है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इलाके में कोई डॉक्टर नहीं है तो आप कुछ देसी नुस्खे या आयुर्वेदिक नुस्खे अपना सकते हैं। 25 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम घी के मिश्रण को लड्डू के रूप में बनाकर पशु को खिलाना चाहिए। मात्रा का खास ध्यान रखें। यह लड्डू उसे सुबह शाम खिलाएं तो यह उसमें इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। अगर वह लड्डू नहीं खा सकता तब उसे बाजरी की रोटी में भी यह दे सकते हैं। ध्यान रखें कि बाजरी की रोटी को सिर्फ एक साइड से सेकना है। आंवले का चूर्ण भी खिला सकते हैं। सूखे आंवले व गिलोय की पत्तियों को पशुओं को खिलाएं। गिलोय 50 ग्राम, 20 तुलसी के पत्ते, 8 लूम, पीसा हुआ 10 ग्राम अदरक 1 लीटर पानी में मिलाकर उबालें। जब पानी आधा लीटर रह जाए तब 2 चम्मच हल्दी मिला दें। ये 5 दिन तक पशु को पिलाएं। फिटकरी और नीम के पत्तों का लेप बनाकर संक्रमित पशु के शरीर पर लगाने से उसे लाभ मिलेगा। दाने ज्यादा हैं तो फिटकरी व नीम के पत्तों को गुनगुने पानी में डालकर बाद में पशु को नहला भी सकते हैं। आप ऐसा दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। यह इलाज गर्भवती पशु पर बिल्कुल नहीं करना है। पलक शादी का धूप का यज्ञ करें। ये उपाय चरक संहिता में बताया गया है। इसका बाड़े या गौशाला में सुबह शाम धूना करें। इसके लिए आपको गूगल धूप, गाय का घी, पीली सरसों, कुष्ठ बचा, जौ, हरड़ और नीम की पत्तियां, ये सब समान रूप से लें। एक भी वायरस नहीं रहेगा। बावडिंग, ये बहुत जहरीला होता है। इसके धुएं की खुशबू जहां तक जाती है वहां तक फफूंद का नाश हो सकता है। 100 ग्राम धुएं आंवला के पौधे को 1 लीटर पानी में उबालकर जब आधा लीटर बचे तब पिला सकते हैं। यदि ये नहीं है तो 100 ग्राम सहदेवी को 50 ग्राम काली मिर्च कूटकर 1 लीटर पानी में मिलाकर पिला दो। ये बड़ी गाय के लिए है। 3 से 4 दिन तक रोज रात को गाय को त्रिफला का काढ़ा जरूर दें। जो बुखार आ रहा है वो लूज मोशन के जरिए ठीक हो जाएगा। अगर बड़ी गाय को हड्डियों की बीमारी है तो उसे 20 ग्राम परिजात की पत्तियां 1 लीटर पानी में ग्राइंड करके डालनी है। जब पानी आधा रह जाएगा पिला दें। दर्द नहीं होगा पर बुखार जरूर होगा। बछड़े को 100 ग्राम परिजात की पत्तियां आधा लीटर पानी में ग्राइंड करके डालनी है। जब पानी लगभग आधा रह जाए उसे पिला सकते हैं। आधा किलो चौलाई बड़ी गाय को हल्का सा 100 ग्राम घी में भूंजकर रोज खिलाओ। ज्वाइंट की जितनी भी पेन्स हैं वो नहीं रहेंगी। गाय का जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। सदा हरी 1 किलो को कूटकर आधे किलो पानी में उबाल लें और गाय को पिला दें। ये एंटीबायोटिक का काम करेगी। आप भी गौ माता की सेवा करें।